मिडिल ईस्ट में रूस के लिए ईरान और हिजबुल्ला बेहद ही अहम है, क्योंकि इनके दम पर ही पुतिन यूक्रेन से अमेरिका का ध्यान भटका सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रूसी फौज यूक्रेन में फतह हासिल कर सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ने के लिए रूस ने ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खुला समर्थन किया है। रूस अमेरिका से यूक्रेन का बदला मिडिल ईस्ट से उसे बेदखल करके लेना चाहता है, और यही वजह है कि रूस ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को लगातार हथियार सप्लाई करता रहता है। और जब से इजराइल ने हिजबुल्ला पर जंग का ऐलान किया है, तब से पुतिन खुलकर हिजबुल्ला का समर्थन कारतर हुए नजर आते हैं, और वो बार बार इजराइल को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्ला से भिड़ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब रूस के विदेश मंत्रालय ने हिजबुल्ला को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के हमलों के बावजूद हिजबुल्ला ने अपनी कमांड छीन नहीं, वो एकदम संगठित तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने ये बात कही है। По нашим оценкам, шиитская партия Хизбалла, включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность. Мы рассматриваем ливанское направление как один из элементов нынешнего беспрецедентного обострения на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем любые силовые действия, направленные на раздувание общерегионального пожара. आपको बता दें कि जाखारोवा ने अमेरिका और ब्रिटेन पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में संघर्ष को भड़का रहे हैं। दोनों ही इजराइल का समर्थन करके लेबनान के भीतर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान कराने में लिप्त हैं। जाखारोवा के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया की संप्रभुता का हनन किया है। Также я хотела бы прокомментировать очередной удар, израильский удар по Дамаску. Он имел место вчера вечером, 8 октября. В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии, нанес ракетный удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска. रूस का आरोप है कि इसराइल की ये कार्रवाई पूरी तरह से भड़काने वाली है, और अब तेल अवीव इसे सीरिया में एक रोजाना का कृत्य बना चुका है। इसराइल पूरी तरह से इलाके में वही संघर्ष को भड़काना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वही का वही है। वो ये है कि आखिर नसरल्लाह के बाद हिजबुल्ला की कमान किसके हाथों में है। ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि इसराइल ने दावा किया है कि उसने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया। और तो और नेतन्याहू का ये भी दावा है कि आईडीएफ ने लेबनान में सैफुद्दीन के भी उत्तराधिकारी को निपटा दिया है। और अगर ये बात सच है तो अब हिजबुल्ला का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्रालय का हिजबुल्ला को लेकर दावा भी कई सवाल खड़े करता है।